हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। तो फटाफट सेशन को आप शेयर कर दो ताकि सभी लोग आ जाएं। काफी कम लोग हो भाई, ठीक है, तो डू शेयर द सेशन। गुड इवनिंग नवनीत कुमार, अल्पेश जी आ गए हमारे पास, आकाश यादव आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट सेशन को शुरू करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आजकल पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है तुम लोगों का, ठीक है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम, और क्वेश्चंस के बाद कुछ और भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, डू शेयर द सेशन, सेशन को शेयर कर दो, ठीक। और कहाँ हो सब लोग हैं, जल्दी करो फटाफट सेशन को शेयर। देखो बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पढ़ना लिखना नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं भी क्या फालतू में पढ़ाता रहता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है, 40,000 का 140% और उसका इतना परसेंट, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। सिमरन कुमारी, गुड इवनिंग बेटा, ठीक। तो अब इसको करो फटाफट और आंसर दो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से करिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा, ध्यान देना, यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, 40,000 के 140% का 0.09% क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो यहां पे पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो यहां पे पॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं, बिकॉज सबके लास्ट में 0.4 आ रहा है। तो आपको केवल सिंपली मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करना है। तो 4 × 14 × 9 कर दो, आंसर आ जाएगा। 14 चौको कितना हो गया, 56, ये हो गया 9। 9 चौको कितना हो गया बेटा, ध्यान, 6 × 9 = 54 का 4 हो गया, हाथ से लगा 5, 9 × 5 = 45, 45 में 5 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी कितना आएगा, 50.4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है आकाश, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका कितना आएगा, 50.4। इट इज वेरी टुच्चा सा क्वेश्चन। गुड इवनिंग पुलकित भारद्वाज, ठीक है, डन। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालो, सेशन को इतना फैलाओ कि सभी तक पहुंच जाए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने की आपको कोशिश करनी है और बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो डू करो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4 फ्रेंड्स हैव अमाउंट सच दैट ए हैज 120% ऑफ बी, बी हैज 20% मोर देन सी, एंड इफ सी हैज 1/4 टाइम्स मोर देन डी, देन फाइंड ए प्लस सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी प्लस डी। तो यू कैन ट्राई, आप इसे ट्राई कर सकते हो कि कैसे बनेगा, तो करने की कोशिश कीजिए फटाफट। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप IBPS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो RRB का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो आप उसका एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, 4 फ्रेंड्स हैव अमाउंट सच दैट ए हैज 120% ऑफ बी। तो ए ये रहा, ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो ए अगर मैंने 100% बोला, 100 बोला तो बी, ए सॉरी बी अगर मैंने 100 बोला तो ए कितना होगा, इसका 120%, और 100 का 120% 120 ही होता है। 0 से 0 मैंने ये काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, 2 से काटो ये हो गया 6, 2 से काटा ये कितना गया 5। तो ए और बी का रेशियो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 6 और 5। उसके बाद क्या रिलेशन दे रखा है, बी के पास सी, सी देखो ये लाइन थोड़ी सी अटपटी है, इस वाली कुछ लाइन को पढ़ो, यहाँ पे हिंदी वाली में थोड़ी गड़बड़ है, इंग्लिश वाला सही लिखा हुआ है। देखो इंग्लिश में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी हैज 20% मोर देन सी, बी के पास जो है 20% ज़्यादा है किससे, सी से।
याद रखना 20% दिया तो आप फ्रैक्शन लिखिएगा, तो फ्रैक्शन होता है 20% का 1/5। बात को समझिएगा, किसके पास ज्यादा है? बी के पास ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सी से ज्यादा है। तो कंपैरिजन सी से हो रहा है, तो सी को अगर मैंने 5 माना तो 5 का 20% कितना हो गया बेटा? 1। यानी 5 से 1 ज्यादा है बी के पास, यानी कितना होगा? 6 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बी और सी का भी रेशियो निकल आया हमारे पास। अब हम सी और डी के बीच में रिलेशन देखेंगे। सी और डी के बीच में क्या रिलेशन है बच्चे, ध्यान देना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ सी हैज 1/4 टाइम्स मोर देन डी। भाई ध्यान देना, 1/4 टाइम्स मोर देन डी किसके पास? सी के पास। तो अगर डी के पास 4 है तो 4 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा, यानी कितना हो गया? 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये लाइन समझ में आई? तो ए बी बी सी और सी डी के बीच में मेरे पास रिलेशन आ चुका है। अब हमें एक सिंगल रिलेशन पता करना है। देखो मेरी बात को समझना, अगर तुम्हें रेशियो नहीं निकालने आते हैं तो आपको यहां पे रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा। तो अब आपको ए बी सी और डी के बीच रिलेशन निकालना है। तो बात को समझिएगा, ए बी के नीचे हमने लिखा 6 और 5। अगर आपको रेशियो नहीं आता है तो समझिए मैं कैसे कर रहा हूं। तो ए बी के नीचे मैंने लिखा 6, 5, बी सी के नीचे भी मैंने लिख दिया 6, 5, और सी डी के नीचे मैंने लिखा 5, 4। तो आपको एक सिंगल रिलेशन बनाना होगा इन सबके बीच। तो शिफ्टिंग मेथड का यहाँ पे हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे। तो ये 5 जो होगा इस तरफ खिसकता जाएगा, इधर 5 और यहाँ पे भी 5, ठीक है। इधर ये इधर जाएगा तो ये 5, इधर ये 6 है तो 6 को इधर सेट कराएंगे, इधर 5 है तो इधर 5 को ले जाएंगे, ठीक है। अब बात को समझना, अब हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। अगर सब में कुछ कॉमन है तो आप इसको यहीं पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन नहीं है। अब इजीली आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 हो गया मेरे पास 36, 6 5 कितना हो गया 30 हो गया, 5 5 25 हो गया और 5 4 20 हो गया। तो मेरे पास ए बी और सी डी का क्या आ गया है? रेशियो आ गया है। जब मेरे पास ए बी सी डी का रेशियो आ गया तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड ए प्लस सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी प्लस डी। तो ए प्लस सी जोड़ो तो हमारे पास कितना आ गया भाई, देखो 6 5 11 हो गया, यानी 61 हो गया। किससे पूछा है? बी प्लस डी से। तो 30 20 कितना हो गया? 50। तो यही तो पूछा है ना कि ए प्लस सी इज व्हाट परसेंट ऑफ बी प्लस डी, तो 61/50 हो गया, ठीक। परसेंटेज में 6 तो आप इंटू 100 कर दीजिए, 50 से काटी कितनी बार में गया? 2 बार में, तो ये हो गया 122%। बिल्कुल अल्पेश, योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 122% आएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, ठीक है। बात क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे को ये बताओ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश करनी है। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थॉट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड पुलकित भारद्वाज। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और प्रेम से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन द स्क्रीन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए आप फटाफट। क्वेश्चन लिखा है इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं तो आप 20% होता है 1/5, तो a बाई मैं बोल दू 5। बात समझ में आ रही? 20% का मतलब होता है 1/5, तो मैंने 20% को 1/5 लिख दिया तो a बाई 5 हो गया। ये किसके बराबर दे रखा है? b के बराबर दे रखा है। तो a जो आ गया वो मेरे पास कितना आ गया? 5b। बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताना है 20 का बी परसेंट क्या होगा। तो 20 का बी परसेंट इसका मतलब समझ रहे हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 20% ऑफ बी, क्या बोल सकता हूं 20% ऑफ बी। तो आप यहां से बी जानते हैं, बी किसके बराबर है? ए बाई 5 के। तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बाई 5। तो ये हो गया 20% ऑफ ए बाई 5। देखो ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यही है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि तुम इसे अंडरस्टैंड ना कर पाओ, ठीक। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 20% ऑफ ए बाई 5। क्लियर हो गया? बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे को ये बताइए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करेंगे। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, अगले दिन बात करेंगे, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर होता क्या है इसकी बात की जाएगी ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लायर विल कॉज अ नंबर टू बी इंक्रीज बाई 21.3%। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो सपोज मैंने क्या कहा, कोई संख्या है ए, मैंने कहा इसमें 20% का इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है 20% का इंक्रीज, मतलब कितने का इंक्रीज होगा बेटा 0.2 ए का इंक्रीज होगा, बात समझ में आएगी नहीं, और इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो जाएगा, इसमें आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1.2 ए, बात समझ में आएगी नहीं आई, समझो, तो यहां पे ये जो वैल्यू है 1.2 यही मेरे पास क्या कहलाएगा, मल्टीप्लायर कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मैंने कहा कोई नंबर है ए और उसमें मैंने 20% का इंक्रीज किया तो कितने का इंक्रीज हुआ, इसका मतलब 0.2 ए का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो गया 1.2 ए, तो ए के रिस्पेक्ट में यहां पे मल्टीप्लायर कौन है 1.2। तो इसी तरह अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया 100%, ठीक है ना, तो 100% के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसमें कितने का इंक्रीज हो रहा है 21.3% का। ठीक है ना, देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100 से कंपैरिजन, इसलिए यहां पे इसको हमने 100 कंसीडर किया है, बात समझ में आएगी नहीं आई, तो अगर मैं बोलूं 100 का 21.3% निकालूंगा तो वो कितना होगा 21.3 ही होगा, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 121.3, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बताना है, 100 के रिस्पेक्ट में बताना है, तो हम इसको 1.213 इनटू 100 लिखेंगे, तो इस 100 के लिए यहां पे मल्टीप्लायर कितना होगा 1.213, बात समझ में आएगी नहीं आई, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, अभी मल्टीप्लायर पे हम काफी देर बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है इस क्वेश्चन को करो, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई, मल्टीप्लायर पे हम कम से कम कुछ नहीं तो आधे से आधा घंटा या 35 से 40 मिनट इस पे डीप में चर्चा करेंगे व्हाट इज मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इसको लेकर निश्चिंत रहो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना, दिमाग लगाने की जरूरत है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन को आप बहुत ही प्यार से और आसानी से बना पाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाई 12.5% एंड द वैल्यू ऑफ द सेम नंबर डिक्रीज बाई 25% इज 21, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। क्या कह रहा है, संख्या में 12.5% की वृद्धि के बाद इसके मान तथा समान मान में 25% की कमी के बाद उसके मान का अंतर कितना है, 21 है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है, इट वॉज ईजी क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करना है, ध्यान देना, आप कुछ भी मान लो, मेरा तो नहीं कर रहा, देखो भैया ध्यान देना जो मैं बता रहा हूं, तो मैंने सपोज पहले मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूं, तो मैंने बोला कोई संख्या ए है तो इसमें कितने की वृद्धि हुई बेटा 12.5% की, बेटा 12.5% मतलब कितना होता है 1/8, कितना 1/8, तो 8 में 1 की वृद्धि मतलब कितना हो गया 9/8 हो गया, बात समझ में आएगी नहीं आई। उसके बाद क्या बोला है, अगर उसी संख्या में 25% की कमी की जाए, तो मैंने ए माना तो अभी इसमें 25% की कमी की गई है, 25% होता है मेरे पास 1/4, तो 4 में 1 की कमी हो गई मतलब कितना हो गया 3/4 है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 21 के बराबर दे रखा है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालूं तो ये कितना आ जाएगा भाई 3/8 ए आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 21 के, तो 3 से काटिए 3 7 21 हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 7 × 8 यानी कितना हो गया 56 हो गया, बात समझ में आएगी नहीं आई, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये तो एक तरीका है करने का, ठीक, बिल्कुल ये हमारा बेसिक तरीका है, जो ट्रेडिशनल मैथड है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हमने ये किया, लेकिन अगर हम इसको कैसे करें, ध्यान देना, अगर हम इसको हम फ्रैक्शन से करना चाहें फ्रैक्शन से करें, परसेंटेज से करना चाहें तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो सपोज मैंने क्या कहा कि मेरे पास नंबर है 100%, ध्यान देना अभी पहले परसेंटेज में बताऊंगा फिर फ्रैक्शन से बताऊंगा, मैंने कहा कोई मेरे पास परसेंटेज दिया है 100%, पहले क्या हुआ है इसमें 12.5% की वृद्धि हुई है, अगर मैं इसमें 12.5% की वृद्धि करूं, 100% मत मानो यार, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, सपोज कोई नंबर है इसमें पहले हमने कितने की वृद्धि की है 12.5% की, ठीक है, बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है, और इसके मान समान संख्या में हम 25% की कमी, तो यहां से हमने क्या की 25% की कमी कर दी, यही बात हुई। अब क्या कह रहा है, इनके मान का अंतर मतलब इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दे रखा है,
21 के बराबर दे रखा है। बात को समझना। गुड इवनिंग अनिता। तो यहां से यहां तक अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इधर 25 माइनस इधर प्लस का 12.5, मतलब अगर मैं बोलूं तो डिफरेंस ये मेरे पास कितना बन गया 37.5%। बात समझ में आएगी नहीं? तो परसेंटेज में ये डिफरेंस कितना बना 37.5, इन जनरल कितना बनना है 21, तो 37.5 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 21 के। 37.5 का मतलब क्या होता है 3/8, और 3/8 यहां पे किसके बराबर है 21 के, तो 3 से काटिए 3 7 21, तो 1 बराबर मेरे पास कितना गया 37.56, तो आंसर कितना आ गया 56। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं है मेरे को ये बताओ। होप यू विल गेट इट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात क्लियर हुई इस क्वेश्चन को कैसे मैंने कर दिया। ठीक, एक तरीका तो ये है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ये तो हमने ऐसे किया। ठीक ठीक, अब मेरी बात को समझो। अब यहां पे जो मैं बताने जा रहा हूं ये तो एक बात रही, अब मैं आपसे कहूं इसे मैं फ्रैक्शन से कैसे करूंगा, तो फ्रैक्शन से कैसे किया जाएगा उस पर भी फोकस करते हैं बेटा। 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन लिखिए, तो हमने इसका फ्रैक्शन लिखा तो ये हो गया मेरे पास 1/8। तो इस बार हमने जो नंबर मान लिया उसे हमने क्या मान लिया बेटा, 8 मान लिया। ठीक है, बात को समझना, नंबर हमने कितना माना 8, 8 में कितने का इंक्रीज हो रहा है बेटा, 1 का इंक्रीज, तो 8 में 1 का इंक्रीज होने के बाद वो कितना हो गया 9 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं मेरे को ये बताओ, 8 में 1 का इंक्रीज होने के बाद वो हो गया 9। अब क्या बोला गया है, उसी संख्या में 25% की कमी की जाए, तो 8 में 25% मतलब कितने की कमी कर दी गई 1/4 की। 25% मतलब कितना होता है 1/4 की कमी करोगे तो 1/4 की कमी करने के बाद वो कितना बचेगा 3/4, तो आप इसका 3/4 निकालिए, तो 4 से करेंगे 4 दुनी 8 हो गया, 3 दुनी 6 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इन दोनों के बीच का आपको अंतर दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब की बार कितना है 3 है, रेशियो में 3 है, इन जनरल कितना दे रखा है 21, तो 3 बराबर मेरे पास 21 हो गया, तो 1 बराबर मेरे पास कितना आ गया 7। 1 की वैल्यू यहां पे मेरे पास 7 निकल के आ गई। अब आपको नंबर बताना है, तो नंबर हमने 8 कंसीडर किया था, 1 की वैल्यू आपने 7 निकाली है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.56 यानी 56। तो किसी भी तरीके से कीजिए आंसर आपका सेम आएगा, बस आपको यह समझना है कि हमको कौन सा तरीका कहां पे अप्लाई करना है। ठीक, अगर आपकी परसेंटेज में बहुत अच्छी पकड़ है तो परसेंटेज का तरीका अपनाओ, अगर फ्रैक्शन में बहुत अच्छी पकड़ है तो आप फ्रैक्शन को अपनाओ। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो फटाफट लाइक और शेयर कर डालो। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। ठीक, अब आप इसे बनाने की कोशिश कर सकते हो, यू कैन डू इट। देखो सारे क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रेश, तो आप इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, जो मेरी बुक है उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया डाला है। ठीक है ना, तो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड कमेंट योर आंसर बिलो। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। 40% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। ठीक है ना, क्या बोला है, किसी संख्या के 40% को समान संख्या के वर्ग में जोड़ने पर परिणामी संख्या मूल संख्या का 4040% हो जाएगी। तो मूल संख्या का 50% ज्ञात करो, तो यू कैन डू इट, आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने माना कि वो संख्या क्या है, x है, तो x का 40%, यही तो बोला है, किसी संख्या का 40%। ठीक है ना, 40% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, इसी का स्क्वायर जोड़ दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है, तो परिणामी संख्या मतलब जो रिजल्ट आएगा, देखो इसका जो रिजल्ट आएगा वो मूल संख्या का, मूल संख्या हमने कितनी मानी थी x, x का कितना हो जाएगा 4040%, तो इंटू 40%। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बात समझ में आ गई, तो ये x वैल्यू है तो ये इधर चली जाएगी भाई, ध्यान देना, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पर अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 4000% ऑफ एक्स, यही तो बात होगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई मेरे को, ये बताओ 40% है और इधर कितना है 4040%, दोनों को माइनस करोगे 4000% बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, परसेंटेज का मतलब होता है 00, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 40। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये 40 आपका क्या आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा आंसर, बिकॉज आपसे क्या पूछा गया है, मूल संख्या का 50% बताओ, तो हमने तो जो नंबर निकाल लिया वो कितना है 40, 40 का 50%, 50% का मतलब क्या होता है आधा, तो कितना आ गया 20,
वेरी गुड अल्पेश और आकाश, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वेरी गुड पुलकित भारद्वाज, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी निकल के आया है क्या 20। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप इसको आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लिखा हुआ है इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इंक्रीज्ड बाय एक्स परसेंट, ठीक है ना, यदि y के x परसेंट को, तो y का x परसेंट क्या होगा, y इंटू एक्स परसेंट, ठीक है ना, y इंटू एक्स परसेंट का मतलब क्या, एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं, क्या हो गया अनिता बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यदि y के x परसेंट को, तो y का x परसेंट, y इंटू एक्स परसेंट, x परसेंट मतलब 100 यानी एक्स वाई बाई 100, ठीक है ना, इसको क्या किया गया है, x परसेंट से बढ़ाया गया है। तो अब अगर हम इसको x परसेंट से बढ़ाएंगे तो बात कुछ समझिए, ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, x बाई 100, कैसे बढ़ेगा, 1 प्लस x बाई 100। अब तुम इसको सॉल्व करो तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स वाई बाई 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स बाई 100। तो कहीं पे भी आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है तो वही हमारे पास करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो इसको समझो थोड़ा सा, मैंने क्या है थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन, क्या नॉर्मल से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में और बहुत टफ नहीं होते हैं बेटा। अरे 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 अरे, यही तो है, बी वाला होगा, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं आई, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा दिख रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा हमें जाना नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, सी नहीं होगा आकाश, देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर हो गई बात, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक, क्लियर। देखो बेटा ध्यान देना, इसको मैं एक बार और बता दूंगा, क्या बोला गया है, y के x परसेंट, तो y का x परसेंट क्या होगा, y इंटू एक्स बाई 100, बात समझ में आई कि नहीं आई, समझिए अनिता जी, क्या बोला है, y का x परसेंट, तो ये y है, y का x परसेंट निकालेंगे तो x बाई 100 होगा। अब इसको x परसेंट से बढ़ाया जाता है, तो याद रखना अगर हम 20% से बढ़ाते तो आप क्या करते हो, x प्लस मतलब उसमें 20% ऐड करते हो, तो 1 में हमने क्या किया है, यहाँ पे x परसेंट बढ़ाया है तो x बाई 100 हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं आई। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई बाई 100, और ये 100 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स बाई 100, ठीक है, बात को समझो, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कहां गायब हो गए, आंसर नहीं दे रहे हो तुम लोग यार। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक, सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो करो इसे फटाफट और आंसर दो इसका। मैं प्रतीक्षा में रहूंगा कि तुम इसका आंसर दोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो फटाफट और आंसर दो मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, क्या लिखा हुआ है, टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर सच दैट दैट द सम ऑफ दिस ऑफ दिस, क्या लिखा हुआ है, देखो फिर से कर लेते हैं ना, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो गायब तो नहीं होना भाई, सबको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है बेटा, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं एक्स और वाई इस प्रकार हैं कि एक्स के 2.5% और वाई के 8% का योग एक्स के 12% और वाई के 4% के योग के से 50% अधिक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, x का 2.5%, ठीक है ना, तो 2.5% ऑफ x आप बोल सकते हैं, प्लस बात को समझिएगा y परसेंट ऑफ 8, तो 8% ऑफ y लिख दो, वो ही बात है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, x का 12% है ना, यही तो है, 12% ऑफ x, ठीक, प्लस 4% ऑफ y, बात को समझिएगा। आप देखो कौन 50% अधिक है, ध्यान देना, लिखा हुआ है दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का योग इसके योग से
50% अधिक है। मतलब कौन अधिक है, ये अधिक है। कितना अधिक है, 50%। 50% का मतलब क्या होता है बच्चे, 1/2। तो अगर मैंने आपसे कहा ये 2 है तो ये इससे 50%, 2 का 50% मतलब 1 हो गया, तो 1 ज्यादा होगा मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई मेरे को ये बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं मेरे पास एक्स और वाई, इस प्रकार है कि एक्स के 2.5% और वाई के 8% का योग, इनका जो सम है वो एक्स के 12% और वाई के 4% के योग से 50% अधिक है। 50% होता है 1/2, तो अगर ये 2 है तो 2 से 1 ज्यादा, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। अब तुमको इसको सॉल्व कर देना है, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, देखो बेटा परसेंटेज दिख रहा है सब जगह, तो परसेंटेज पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो इसमें 2 का प्रोडक्ट होगा और इसमें किसका प्रोडक्ट होगा, 3 का प्रोडक्ट होगा। तो इसमें 2 का करो तो 2.5 × 2 कितना हो गया, 5x प्लस, अगर मैं बोलूं तो 8 × 2 क्या हो गया, 16y। बात समझ में आई। अब 3 का करो तो 12 × 3 मेरे पास कितना हो गया, 36x प्लस 4 × 3 मेरे पास हो गया 12y, ठीक है। तो 16y है और 12y है, तो ये मेरे पास कितना बचा, 4y। और अगर मैं बात करूं 36 में से 5 गया तो मेरे पास कितना बचा भाई, 31x, ठीक है। तो अब हमको क्या बताना है, x अपॉन y, तो x अपॉन y मेरे पास कितना आ गया, 4/31। कितना निकल के आ गया, 4/31, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड पुलकित भारद्वाज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी x रेशियो y मेरे पास जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 4:31, ठीक है। बात क्लियर हो गई सभी को, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तुम लोग गायब कहाँ रहते हो भाई, इतने कम लोग रहोगे, वेरी गुड आकाश सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखा है मैंने, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज इजी क्वेश्चन, आप इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का उसी संख्या के इतना जोड़ा जाए तो वो संख्या इतनी हो जाती है। देखो क्या देख रहा है, इफ 114 होल 2/7% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालो, 114 होल 2/7% का फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनाओगे बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 100%, और ये मेरे पास क्या बचेगा, 14 होल 2/7%, ठीक है ना। 40 देखो 100% का मतलब क्या होता है बेटा, 1 होता है, और इसका मतलब क्या होता है, 1/7, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया भाई, ध्यान देना, 7/8। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम क्या मानते हैं, वही वैल्यू मानते हैं, इनिशियल वैल्यू यानी मूल्य संख्या मानते हैं। तो नंबर मैंने क्या मान लिया, 8 मान लिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर if 114 होल 2/7% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, तो 7 का 114.28% क्या होगा, 8 होगा। तो 7 में कितना जोड़ा जाए, 8, तो जब हम 8 जोड़ते हैं तो ये मेरे पास कितना बन के आता है, 15 बन के आता है। रेशियो में 15 बन के आया, इन जनरल किसके बराबर दे रखा है हमारे पास, 1620। बात समझ में आएगी नहीं, तो 15 की वैल्यू यहां पे किसके बराबर आ जाएगी, 1620। बात समझ में आएगी नहीं, क्या बोला गया है, अगर किसी संख्या को, ये लिखा हुआ यदि किसी संख्या में 114 2/7% को समान संख्या में जोड़ा जाए, तो संख्या मैंने बोल दी 7, इसका 114 सही 2/7% कितना होगा, 8, तो इसको इसमें जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ने के बाद कितना बनता है, 1620। नंबर्स में 1620 बन रहा है लेकिन रेशियो में कितना बन रहा है, 15। तो 15 बराबर कितना आ गया है, 1620। तो आप यहां से 1 निकाल सकते हो, तो 15 × 150 कितना बचा, 12, 15 × 8 = 120। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 108 के। तो 1 बराबर हमारे पास 108 आ गया, तो हमें वो नंबर बताना है, तो वो नंबर आप आसानी से निकाल पाओगे कितना है, 7:1। तो 1 रेशियो आपने 108 निकाला, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 756, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, वेरी गुड अल्पेश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। पांडो बेटा देखो कहाँ गलती करी है, आकाश यादव देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो गया है। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है ना।
तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश कीजिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे, क्या लिखा है, इफ 70 इज एडेड टू अ नंबर, किसी संख्या में अगर 70 जोड़ा जाए तो वो कितनी हो जाती है, 162.25 हो जाती है। फाइंड 157 होल 1/7% ऑफ दैट नंबर। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बताओ क्या होगा, 162.5% का फ्रैक्शन। अगर तुमने जो मैंने काम बताया वो नहीं किया है तो तुम इसको करने में असमर्थ हो। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर लेंगे बेटा, 100% प्लस 62.5%। ये बात समझ में आएगी नहीं? देखो 100% का मतलब क्या होता है, वही वैल्यू यानी 1, और 62.5 होता है मेरे पास 5/8, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 8/5 कितना होता है, 8/5 13 होता है, 13/8 हो गए। बात समझ में आएगी नहीं? तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस पर तुम फोकस नहीं करोगे तो क्वेश्चन को बनाने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 70 जोड़ा जाए तो वो स्वयं की कितनी हो जाती है, ये तो अगर हम 8 में 162.5 कर रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है, 13। यही तो बात हो रही है, अगर हम 8 का 162.5 निकाल लें तो वो कितना हो रहा है, 13। तो अगर यहां से यहां बात की जाए तो यहां से यहां कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां से यहां तक कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। रेशियो में 5 जोड़ा जा रहा है, ऐसे कितना जोड़ा जा रहा है, 70। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 70 के। अगर 5 बराबर 70 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो 1 बराबर अगर हमारे पास 14 हो गया, 1 की वैल्यू 14 निकल आई, तो आपको बताना है वो संख्या, पहले हम वो संख्या निकालेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 14 × 8 हो जाएगी। बात समझ में आई? लेकिन हमें इस संख्या का, हमें संख्या नहीं निकालनी है, हमें संख्या का 157 से ही 1/7 निकालना है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसको आप ब्रेक करो पहले, कितना होगा, 100% प्लस 57 होल 1/7%। देखो अगर तुमने फ्रैक्शन वैल्यूज को ढंग से नहीं किया है तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी तुम्हें दिक्कत होगी। तो 100% तो होता है मेरे पास 1, और 57 होल 1/7 कोई मुझे बताएगा ये कितना होता है, फटाफट कमेंट में बताओ 57 होल 1/7% क्या होता है, इट इज नथिंग बट 4/7। बात समझ में आएगी नहीं? तो 7 × 7 = 4 कितना हो गया, 11/7। तो आपको क्या करना है, इस नंबर का 11/7 फाइंड आउट करना है। तो इसका 11/7 फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, 11/7 से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7 से करो, 7 × 2 = 14 हो गया, 8 × 2 = कितना हो गया बेटा, 16, 16 × 11 हो गया, और 16 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 176 हो गया। वेरी गुड अल्पेश, योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड आकाश सिंह, सभी लोग उत्तर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है, वेरी गुड पुलकित भारद्वाज। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, क्यों रुक गए हैं मुझे नहीं पता। तो कुछ नहीं तो सब्सक्राइबर तो तुम लोगों को बढ़वाना ही बढ़वाना है, तो इतना काम तो तुम मेरा कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को करने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है। लिखा हुआ ए बी का 20% है, ठीक है ना, ए इज 20% ऑफ बी, ठीक। तो ए जो है वो 20% ऑफ क्या है, बी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड सी इज 10% ऑफ ए, सी जो है वो 10% है किसका, ऑफ ए का, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आपको सी का 40% निकालना है, तो आप ए की जगह क्या रख सकते हो, 10% ऑफ ए की जगह लिख सकते हो 20% ऑफ बी, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर आप 10% ऑफ, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 20, देखो तो अगर मैं एक परसेंटेज हटाता हूं तो नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये 2% ऑफ बी आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, 2% ऑफ बी। लेकिन हमको 40% निकालना है ना, 40% निकालना है, तो सी का 40% क्या निकालेंगे, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते 40% से। तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये मेरे पास कितना बचेगा, भाई ध्यान देना,
अगर मैं इसका 2% निकालूं, या फिर देखो परसेंटेज में एक वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो 4 × 8 कर लीजिए आप, 8 × 4 = 8, 80% ऑफ 20% है ना। तो अब मेरी बात को समझिएगा, परसेंटेज को आप डबल क्या लगा सकते हैं, अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 0.8% ऑफ बी, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कितना हो गया, 0.8% ऑफ बी। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बात क्लियर हो गई, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बिल्कुल सही अल्पेश, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे रेलवे में पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूं, रेलवे में काफी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ यूपीएसआई और लेखपाल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर एन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना। तो मैंने नंबर को बोल दिया एन है, और मैंने बोला 3 पार्ट्स में है, तो मैंने बोल दिया ए बी और सी, ये 3 पार्ट हैं, बात को समझते जाना। लिखा हुआ अ नंबर एन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स इज दैट द सम ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट, मतलब ए और बी का जो पार्ट है, सम है, वो है इस के परसेंट ऑफ 3rd पार्ट। वो क्या है, के परसेंट है किसके, 3rd पार्ट के। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं a प्लस बी की जगह k परसेंट ऑफ c लिख पाऊंगा, ठीक है, देखो लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, n इज इक्वल टू मेरे पास हो गया k परसेंट ऑफ c प्लस c, बात समझ में आई। तो अगर मैं यहां से लिखूं n, तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, c, तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, k परसेंट प्लस 1 बचेगा, बात समझ में आई। तो हमें c ही तो बताना है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, n अपॉन के परसेंट का मतलब के बाई 100 प्लस 1, ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास ऊपर ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो n इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, k प्लस 100, ठीक है। तो आप यहां से इजीली बता पाओगे 100 n अपॉन में k प्लस 100, यानी थर्ड पार्ट हमारे पास ये निकल के आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा अप्रोच आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर 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 और नॉट क्लियर, जल्दी बताओ। आई वॉन्ट मोर शेयर्स, आई वॉन्ट मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब तो रेलवे का भी वो आ गया है, डेट आ गई है, तो भाई फटाफट तुम लोग शुरू हो जाओ प्रिपरेशन करना, ठीक है, क्लियर हो गई सभी को ये बात। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखने में तो बहुत ही खराब सा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है ना। एक चीज इसमें मिस्टेक है, क्या लिया, 1/x, 1% ऑफ, यहाँ पे लिख लेना 1% ऑफ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, 1% ऑफ 1/y, ठीक है ना, यहाँ पे ये है, इसी में यहाँ पे लिखना 1% ऑफ 1/y, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी, उसको मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है, अब इसको करो फटाफट। देखो क्वेश्चन क्या रखा है, लिखा है 1/y ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू एक्स परसेंट, किसके बराबर है, 1/z इनटू 1%, ठीक है ना। तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, पर एक्स वाई यहां पे किसके बराबर आ गया, 1/z के, बात समझ में आई। तो वाई यहां से निकलेगा एक्स जेड, बात समझ में आई। वैल्यू मान के, क्या वैल्यू मान के करोगे यार, इसमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है, चलो इसको करो। तो y बराबर मेरे पास आ गया एक्स जेड, यहां पे अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा हो तो ये इक्वल के बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली y अपॉन z किसके बराबर लिख दूंगा, 1/x के। तो z बराबर यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं आई मेरे को ये बताओ। इसी तरह यहां पे मैं बोलूं तो ये परसेंटेज कट जाएगा, और ये मेरे पास क्या बचेगा, z/x किसके बराबर, 1/y के।
तो एक्स बराबर मेरे पास क्या जाएगा, वाई जेड। तो आपको बताना क्या है, एक्स वाई जेड बताना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू आपने निकाली है वाई जेड, वाई की वैल्यू निकाली है एक्स जेड, और जेड की वैल्यू निकाली है एक्स वाई। यानी ये क्या बन गया है मेरे पास, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बात क्लियर हो गई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए फटाफट और आंसर दीजिए क्या होगा। ये तो बहुत आसान सा है लिखा। देखो अगर मुझे फ्रैक्शन मानना हो तो याद रखना 100% और अपॉन 100% हमेशा कंसीडर करीजिए अगर परसेंटेज में बात की गई हो। तो क्या बोला गया, यदि किसी भिन्न के का अंश 20% लाए, तो 100 का 20% हो गया मेरे पास 120। ठीक है, और हर में 5% घटाया जाए तो 5% घटाओगे तो ये 95% आ गई। बात समझ में आई, और ये किसके बराबर दे रखा है, 5/3 के। बात समझ में आई, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, तो 1 की वैल्यू निकालनी है तो का 5 × 95 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे 120 × 3। देखो पूरा सॉल्व करना है पूरा सॉल्व करो, या फिर देखो 95 है, 19 का परसेंट है, नीचे 19 है नहीं, तो 19 का मल्टीपल फाइंड आउट करो, तो केवल आपको ऊपर एक ही जगह दिख रहा है सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। बात क्लियर हो गई, 5 से कट सकते हो, कितने बार में जाएगा 24, तो ये हो गया 95 / कितना हो गया 24 या 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। बात क्लियर हो गई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यू कैन इजिली आप इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को भी तुम कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, ए अपनी वस्तुओं को बी की तुलना में इतने सस्ते में बेचता है और सी की तुलना में 25% महंगा बेचता है, तो सी की वस्तुओं की लागत बी की वस्तुओं की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। तो सब कुछ बी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। ए अपनी वस्तुओं को बी की तुलना में इतना सस्ता बेचता है, तो ए और बी के बीच रिलेशन पहले हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात तो 18.75% का आप फ्रैक्शन बता सकते हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 18.75%। बात समझिएगा, देखो ये होता है 3 × 6.25, यानी मेरे पास कितना बन गया 3/16। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो यहां पे अगर हम आपसे बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अपनी वस्तुओं को बी की तुलना में इतना सस्ता बेचता है, तो बी अगर 16 का बेच रहा है तो ये 3 सस्ता बेचेगा, यानी कितना बचेगा 13 बेचेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, ध्यान देना, कहां गायब हो जाते हो, गायब नहीं होना है, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना होता है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, सी की तुलना में 25% महंगा बेचता है। अब ए और सी के बीच रिलेशन दे रखा है, 25% मतलब होता है 1/4, तो कौन महंगा बेचता है, ए महंगा बेचता है, तो ये 4 बेचेगा तो ये कितना बेचेगा 5। बात समझ में आएगी नहीं, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब मेरी बात को तुम समझो, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस बहुत ज्यादा करना जरूरी है। अब देखो दोनों जगह ए है, ए यहां पे 5 है, ए यहां पे 13 है, तो हम दोनों को बराबर बनाएंगे, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे और इसमें किसका कर देंगे 13 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब आप 5 करेंगे तो 13×5 = 65 हो गया, और ये क्या हो गया 16×5 = 80 हो गया, ये 65 होगा और ये मेरे पास क्या होगा 13×52। बात समझ में आएगी नहीं, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, सी और बी के बीच में रिलेशन पूछा है, बाई व्हाट परसेंट इज सी द कॉस्ट ऑफ सी गुड आर चीपर देन बी। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना सस्ता दिख रहा है भाई, सी माइनस करोगे कितना आएगा भाई, देखो 50 में से अगर 80 में से 50 करोगे तो 30 जाएगा, 30 में से 2 करोगे कितना जाएगा 28। बात समझ में आएगी नहीं, किससे पूछा है, बी से पूछा है, जिससे पूछता है उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी 28/80। परसेंटेज में चाहिए तो × 100 कर दीजिए आप, 0 से 0 कट दीजिए, ठीक है ना, 4 से काटिए, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 2 से करो कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, तो 7×5 कितना आ गया बेटा 35%, कितना आंसर आया 35%। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, बी ऑप्शन यहां पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 काफी सारे हैं। ठीक, तो 17 की बात करनी है आपको, तो इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क दूंगा। क्या दूंगा बच्चे? इसे होमवर्क पे ले लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। दूसरा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका क्या होगा? होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, देखो चार क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको घर पे करना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये भी, ठीक है ना? ये आपके होमवर्क हैं, तो इन क्वेश्चंस को करना है। और सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही हो जाए तो तुम्हें इसी वीडियो पे क्या करने हैं, कमेंट करने हैं, ठीक है? इसी वीडियो पे आपको क्या करने हैं, कमेंट करने हैं, करने के बाद, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो अब मेरी बात को सुनो थोड़ी सी, हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें, ठीक है? तो अगर बात की जाए तो भाई प्रिपरेशन शुरू कर दो यार तुम लोग, ठीक है ना? डेट शीट आ चुकी है और टाइमिंग भी आ चुका है। भाई देखो, सबसे पहली चीज तो एनटीपीसी की भी डेट आ गई, 15 दिसंबर से होंगे एग्जाम। अब देखो, अगर तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी का एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो अब चीजें सब कुछ स्मूथली चलने, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलेगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रिपरेशन करनी है यार, प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है ना? जो पढ़ाया जाता है उसे पढ़ो, और कुछ अदर चीजें हैं पढ़ना चाहते हो तो उसको भी पढ़ो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं पुलकित, तुम वीडियो एक बार क्या करना, पीछे करना, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना? वीडियोस को मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, अनलिस्टेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक? और सेशन को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, ठीक? तो ऐसा रहेगा तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग सकती है कि मैं इसको क्विट ना कर दूं अपने चैनल को, ठीक है ना? तो एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जब जब मैं पढ़ाया करूं, साथ में आप वीडियोस को जरूर देखिए, कंप्लीट वीडियो देखा करो। साथ में आपको क्या करना है, दोस्तों को शेयर करोगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा।